कि यार भगवान हमारे पास कब गाड़ी होगी, हमारी बीवी कब आएगी, भगवान मैं कब अय्याशी करूंगा, भगवान स्वयं को बदलना है। विलासिता खत्म कर देगी तुमको, चूस लेगी। जब पढ़ने का टाइम हो उस वक्त खाना मत खाओ, पर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम भाग्यशाली हो। सर हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं, ये जो लहरें तमाम तरह की उठ रही इनको खत्म करो। नाच नाच के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, सोचो, डिस्ट्रैक्शन हटा दो, मन खाली, तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है। और उलझा हुआ दिमाग में फोटो नहीं बनती। पानी में पत्थर मारो, कंकड़, लहरें उठ रही है, उसमें तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। देखो कभी बाल्टी में पानी भरो और हिला दो बाल्टी के पानी को, और फिर ऐसे देखो, तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। वही हाल तुम्हारे मन का है, लहरें उठ रही, लहरें कि यार भगवान हमारे पास कब गाड़ी होगी, हमारी बीवी कब आएगी, भगवान भगवान मेरा पति कब आएगा, भगवान भगवान मैं कब जाऊंगा लास वेगास, भगवान मैं कब अय्याशी करूंगा, भगवान सब करे ले रहे, भगवान सब लूटे ले रहे, सब भागे जा रहे, भगवान इन परिस्थिति में तुम चाहते हो कि एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, कभी नहीं घुसेगी। उसका फायदा कौन उठाएगा? कोई ना कोई तो उठाएगा ही। तो लोग दिल्ली से ऐड करेंगे, तेरी की ऐड, स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर टॉट बाय द स्टार्स। तो तुम बोले ये बात तो है यार, दिल्ली चले तो कुछ मजा आए। अब तुमने इन लहरों को शांत किया नहीं और तुम दिल्ली पहुंच गए। अब उन्होंने तो अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन साल भर बाद फिर तुम खड़े हो इसे, मजा नहीं आया। तुम ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म कर रहे हो, क्रीम पाउडर लगा के अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो, कब तक? बाहर से सुंदर लग रहे हो, बाहर से, अंदर लाओ अंदर। ये जो लहरें तमाम तरह की उठ रही इनको खत्म करो। इसीलिए इस देश में आश्रम व्यवस्था थी, चप्पल पहनोगे, एक तरह का कपड़ा पहनोगे, बाल शेव करा के रखोगे, सन्यासी। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम क्यों क्लास कॉन्शियस हो गए हो, प्रोडक्ट कॉन्शियस हो गए हो? तुम सन्यासी, तुम्हारा बाप अगर क्लर्क है तुम सन्यासी बन जाओ, सिंपल कपड़े पहनो, सिंपल रहो और सारी एनर्जी लगा दो पढ़ाई पे, देखो क्या होता है साल भर बाद। साइकिल पे चलो 10 किलोमीटर के रेंज में, अगर तुम्हारा काम है साइकिल पे चलो, पेट्रोल के पैसा जो बचे जूस पी लो। तुमको कौन देख रहा है बाइक पे जाते हुए इतना बड़ा बड़ा बाल रख के ऐसे हिला रहे हो चड्ढा की तरह, तुमको देख ही कौन रहा है? विद्यार्थी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। हाँ तुम ठेकेदार हो वो अलग बात है, तुम बिजनेसमैन हो वो अलग बात है, वो अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट। अरे ट्रिमर आता है 2-1500 रुपए, 1000 रुपए का ले लो, बाल छोटे छोटे कर लो यार, कैप लगा लिया करो, शैम्पू का पैसा बच गया तुम्हारे, प्राणायाम करो चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा, तुम्हारा लॉरल क्रीम फ्रीम का पैसा बच जाएगा, ये सब पैसा ही तो बचेगा। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल से चलोगे तुम्हारा पेट्रोल का पैसा बचेगा। सरलता से रहो। अब तुम्हारा दोस्त ठेकेदार है, बुलेट पे चल रहा है, उसे चलने दो। लाल बहादुर शास्त्री रामराज्य के नेता है, कुर्ता फटा हुआ है, चीन गए हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री है, कुर्ता फटा हुआ ऊपर से, चीन गए हुए हैं,
यहाँ तुम लोग दूसरे का कपड़ा, दूसरे की घड़ी, दूसरे की गाड़ी देख के इतने प्रभावित रहते हो। अरे भैया लुई मज़ेटो की घड़ी पहने, भैया 25 करोड़ की घड़ी होगी, 25 का मार लेंगे हाथ खींच कर 50 फुट जमीन के अंदर। आवश्यकता पे ध्यान दो, विलासिता पे ध्यान मत दो, विलासिता खत्म कर देगी तुमको, चूस लेगी, खत्म। आवश्यकता पे ध्यान दो। टाइटन की घड़ी पहने हो वो भी ठीक है, समय तो बता रही है ना। इतनी अंदर क्षमता पैदा करो कि तुम जो पहनकर बाहर निकलो वो लोगों के लिए आदर्श बन जाएगी। अरे भैया आए रहे और 500 रुपया घड़ी लगाए रहे, भैया तुम्हारे मन में कुछ और ही चल रहा है। जहां प्रियम्बल चलना चाहिए, नेशनल इनकम चलना चाहिए, मनसबदारी चलनी चाहिए, वहां चल रहा है कि यार मर्सिडीज बहुत जबरदस्त गाड़ी है। अच्छी, ठीक है, अच्छी बात है, पर वो सोचना नहीं है। तुम्हारे पास है ना स्विफ्ट डिजायर, तुम्हारा काम चल रहा है ना, बहुत है, शुक्रिया अदा करो भगवान को। दुबई से आया, चॉकलेट दिया एक साहब को, कहीं अच्छी वाली घरे धे लियो, ये तो डुप्लीकेट हो, मगर देखो इसका मन। अरे डुप्लीकेट है चाहे जो उन्होंने जो दिया तो उस पर थैंक यू तो बोल दो। सोच ही तो महान बना रही है टीपू सुल्तान। ये जहांदर शाह, ये फारूक सियार एक तरफ, टीपू सुल्तान और जय सिंह दूसरी तरफ, राजा मार्तंड वर्मा, राम वर्मा, सोच ही तो है, ये सारा खेल सोच का ही तो है। आप किसी भी परिस्थिति में रह रहे हो, ये देखो, ये जहांदर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, ये देखो मुगल फैमिली, ये लुंगी पहन के आता था दरबार में, और दूसरी तरफ राजा मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा, राम वर्मा, ये देखो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। शायद ही किसी को पता हो उस वक्त की न्यूज़पेपर क्या होता है। जय सिंह ऑब्जर्वेटरी बना रहा है, टीपू सुल्तान इंडस्ट्री लगा रहा है। इस दोनों गुट में फर्क क्या है, सोच। इन दोनों गुट में फर्क है सोच का, इसीलिए तो मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं। और सोच किस पे डिपेंड करती है, मन पे। ये सब एक सेंचुरी के लोग हैं, ये सब एक सेंचुरी के लोग हैं, एक सेंचुरी। ये देखो अब तुम देखो कि तुम कहां खड़े हो, और अगर सोच सही नहीं है इसको बदल लो। ध्यान, नजर रखो इसके ऊपर, कहते हैं ना ध्यान दो। जब तुम्हारे यहां मजदूर मजदूर काम करते हैं, मकान बनाते हैं, तो एक आदमी बैठाया जाता है वहां पे, ध्यान रखना मजदूरों पे, ये पता लगा आधा घंटा खैनी ही बना रहे हैं। तो जैसे तुम दूसरों पे ध्यान दे रहे हो अपने पे दे दो। और योग, इन सांसों को जो तुम भूल गए हो, जो तुम्हारा जीवन है, डेड बॉडी में एक ही चीज तो नहीं है सांस, डेड बॉडी में एक ही चीज नहीं है सांस। सोचो कितनी कीमती हो, तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मरने के बाद आदमी की सांसें गायब हो जाती है, कितनी कीमती है। ना हार्ट गायब हो, ना किडनी गायब हो, ना लीवर गायब हो। योग मतलब जोड़ना, किससे, अपनी सांसों से, जिनको तुम भूल चुके हो उनका जादू देखना। एक मिनट सांस अंदर बाहर करो तेजी से, देखो पूरे बॉडी में एक अलग चेंज पैदा हो जाएगा,
सांस रोक लो, विचार रुक जाते हैं। रोक के देखो तो जितने लोग ओवरथिंकिंग के शिकार हैं, सांसों पे काम करो और इस पे ध्यान दो, इसको पकड़ पकड़ के लाओ, यही श्रम है। सर हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं, सामने रखो मोबाइल सामने और उससे हो कि मैं तुझे अभी उठाऊंगा एक घंटे बाद, और फिर दिन भर देखूंगा, फिर एक घंटा बीत जाएगा, मैं तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा तुमने कहा था मोबाइल उठाने के लिए, कह दो अभी नहीं एक घंटे बाद। जैसे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ऐसे तुम भी बनाओ इसको। ये मत कहो कि नहीं उठाऊंगा, आज से नहीं उठाऊंगा, ये मत कहो, कहो उठाऊंगा अभी एक घंटे बाद उठाऊंगा और दिन भर देखूंगा, या कहो कल से उठाऊंगा। तो जैसे कल कह के तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसे कल कह के मोबाइल उठाने की क्या, कल कभी आता नहीं। कुछ नहीं करना है जीवन में, कुछ नहीं करना है, एक काम छोड़कर वो काम बाकी सारे कामों को खुद ब खुद करेगा। स्वयं को बदलना है, कुछ नहीं करना, ना समाज बदलना, ना राष्ट्र बदलना, ना दुनिया बदलनी, किसी को नहीं बदलना है, स्वयं को। मुझे भी एक जमाने में लगता था क्रांति रिफॉर्म्स, वो तो अच्छा हुआ कि समझ में आ गया कि क्रांति मतलब स्वयं को बदलना। बस यही बात मैं तुमसे भी कह रहा हूं, परिस्थिति कोई भी हो, ये देखो अब बहाना बना सकते थे, आदमी फेल होता है क्लास में तो क्या कहता है कि अरे गुड्डू वो फेल हो गया, बबलू फेल हो गए, चार लोग फेल हैं क्लास में, कोई ये नहीं कहता कि हम भी फेल हैं, कहता चार लोग और फेल हैं। ये देखो ये मिटे हुए लोग मुगल वंश के, इन लोगों ने अपना वजूद पैदा किया किसकी वजह से, सोच की वजह से, और सोच का संबंध मन से है, और मन जुड़ा है सांसों से, इसीलिए इस देश में ध्यान और योग का बहुत महत्व है। तो जिस आदमी के पास सोच होगी वो आदमी महान होगा, शिक्षा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर से स्टेटमेंट को दोहराऊंगा, जिस आदमी के पास सोच होगी, तुम्हें पढ़ना किसके बल पे है, तुम्हारे मन के बल पे, तो मन को ताकतवर नहीं बनाओगे। एक कमजोर मन 8 घंटा पढ़ सकता है, और एक कमजोर शरीर 8 घंटा बैठ सकता है, और आईएएस की तैयारी में कम से कम 8 घंटा बैठना है। तो अगर तुम 2 घंटा खुद को दो डेली, और तुम्हारा मन और शरीर 3 महीने मजबूत हो जाए, तो 8 घंटा तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सोच से व्यक्ति महान बनता है, शिक्षा नहीं भी है तो चलेगा, सोच को विकसित करो, समझे ना, डरो मत कि मेरा टाइम भागा जा रहा है, 1 साल के बजाय 2 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको विकसित करना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे को तुम देखो, माँ बाप इतने कॉशियस हो गए हैं कि जो साइकिल खरीदते हैं उसमें दोनों तरफ पहिया लगी होती कि ये गिरे ना। अबे गिरोगे तभी तो ताकत पैदा होगी, हैं? हम लोग कितनी बार गिरे साइकिल में, गिरे और मार भी खाए, मतलब डबल साइडेड इफेक्ट होता था, गिरे पता लगा पैंट फट गई, अब पैंट उतार के तो घर में आ नहीं सकते, अब घर पहुंचे तो एक चोट पहले ही लगी हुई थी, फिर वो माता जी ने कहा पैंट कहां फाट डाले, फिर 10-20 डंडा वो खींच के मार दी, तो उससे स्ट्रेंथ पैदा हुई, ताकत। इन्होंने बगल में पहिया लगा दी दो कि मेरा बच्चा गिरे ना, सबको अपना बच्चा प्रधानमंत्री चाहिए। ध्यान इसलिए करो, 2 काम करो, बाकी सब बंद कर दो, और 2 करोगे तीसरी खुद ब खुद होगी, ध्यान और योग 2 कंपलसरी कर लो अपने जीवन में, मुझे करना है।
जिद बना लो अपनी जिद, तो दोनों से क्या होगा, एक से मन मजबूत होगा, एक से शरीर। तो जब मन मजबूत होगा पढ़ाई खुद ब खुद होगी। डिसीजंस लेने लगोगे ना, खड़े होके पढ़ो ये खरीद लो। वो सन्यासी धूप में क्यों खड़ा होता है, मन चल रहा है और उसको मन को ही देखना है, तो जैसे धूप में खड़ा हुआ अब मन चिल्लाने लगा कि अरे यहां कहां खड़े हो। ये जो साधना है ये क्या है, कष्ट ही तो है। तो जब तुम मन को कष्ट देते हो तो ये कंट्रोल हो जाता है। उसी कष्ट की एक परंपरा है व्रत, फास्टिंग। तुम प्रयोग करके देखो, खाली पेट तुम्हारा मन कोई खुराफात नहीं सोच सकता, गारंटी। और अगर सोच रहा है तो तुम बहुत महान आदमी हो, हालांकि वो संभव ही नहीं। इसलिए तुम लोग जब पढ़ने के टाइम हो उस वक्त खाना मत खाओ। सुबह उठे वो अकवा चना मत खाओ, बहुत हैवी होता है वो। अब तो गर्मी आ गई, सत्तू मंगा लो यार, चने का सत्तू, जौ का सत्तू, ये सब इतनी हेल्दी चीजें मंगा लो। और सुबह कुछ नहीं करना, एक ग्लास लो, दो चम्मच लो, दो चम्मच चने का सत्तू, कितना लेवल हाई लेवल प्रोटीन है उसमें। काक चेष्ट बको ध्यानम अल्पहारी स्वानिद्रा, ये पांच लक्षण है, ये फॉर्मूला है अल्पहारी। सुबह 13 पराठा खा गए, अब आंख तो निकला, अब 13 पराठे का मतलब सारा खून यहां पहुंच गया। अब तुमने 2 चम्मच सत्तू पिया, मन खाली एकदम, तो वो जो तुम पढ़ रहे हो वो अंदर जाएगा। तुम मन से अपने कहो कि पहले चैप्टर हमको समझा दो, तब तुमको अंडा फ्राई और कबाब और अच्छा चिकन भी खाओगे, हाँ चिकन, और बताओ पनीर भुजी हुई, अच्छा इसको इसे डील क्यों नहीं करते तुम, ये तुमको जो ऑर्डर दे देता तुम मान लेते हो। इससे समझौता करो, या सुबह चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसको जितनी जल्दी खत्म करा दोगे, अंडा फ्राई खाओगे, चलो 6 अंडा फ्राई हो गया, और चिकन आधा पूरा खा, पूरा चिकन, तभी तो कोई तुम्हारी बात मानेगा। तुमने उसको फ्री एसेस दे रखा है कि तुम जो कहोगे 12 बजे रात में कहोगे तो खाना बना के खाएंगे। तो ये हो गया बेलगाम। नहीं फिर तुमसे सुबह सुबह कहता है कि 10-12 अंडा खा लो, दूध 2 ग्लास पी लो, 2.5 घंटा क्लास में बैठो, थकान लग जाती। अब तुमने इसकी बात सुन ली, खा लिया, अब सारा खून यहां आ गया, अब क्लास गई भाड़ में। अपनी बुद्धि पे नजर रखना तुम लोग दो काम कर लो बस, तीसरा अपने आप होगा। तुम वही दो मेरा मान नहीं रहे हो, इसलिए तीसरा वो नहीं रहा है। तुम ध्यान और योग शुरू कर दो, टिम रो की योग निद्रा दोपहर में खाना खाने से पहले एक बार करो, या निर्जनानंद वाली, और इसको करो, और इसको तुम 3 महीना करो, रोकना मत। क्या क्या वो खुद ही बोलेगा, लेट ना कुछ करना ही नहीं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो टिम रो करेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो निर्जनानंद, स्वामी निर्जनानंद मुंगेर। ये 3 महीना कर लो, ये बहुत प्यारी चीज है। और किसी एक चीज को अपने सॉफ्ट सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो, सर इस चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी सर। 3 महीना कर लो, 90 दिन। जब ये संकल्प लेने के लिए कहेगा तुमसे, तो संकल्प, जैसे तुमने संकल्प ले लिया कि मैं योग और ध्यान करूंगी, तो 3 महीने में क्या होगा कि ये थॉट तुम्हारे सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो जाएगा। इसका यही रोल है, और कोई रोल नहीं। तो क्या करेगा, तो वो थॉट जो है, वो तुम्हारा गोल जो है, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में डाल देगा। और जैसे वो सबकॉन्शियस में पड़ेगा, उसके बाद वो तुम्हें बिना कराए मानेगा ही नहीं। तुम में से बहुत लोग इतने भाग्यशाली हो पर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम भाग्यशाली हो।
इस वक्त तुमको कोई पूछ नहीं रहा होगा क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है। कितना भाग्यशाली हो तुम, जिस वक्त तुम्हें पढ़ना है उस वक्त तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन तुम दुखी हो। इसे रिक्शा वाला दुखी है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं। अरे जाहिल, जिसके पास है उसको डायबिटीज है, और डायबिटीज मनुष्य को खत्म कर देती है, इंपॉर्टेंट बना देती है, नपुंसक। बिना शुगर के ऊर्जा कहां बनेगी शरीर में? शरीर में जो ताकत बनेगी वो शुगर से ही तो बनेगी, और शुगर तुम ले नहीं सकते तो ताकत कहां बनेगी? मैंने गरीबी की एक नई परिभाषा निकाली, जो डायबिटिक है वो गरीब है, जो मिठाई नहीं खा सकता 2 किलो 3 किलो खा लो। दुनिया में जो मिठाई नहीं खा पा रहा है उसके जीने से फायदा ही क्या है? चावल नहीं खा पा रहा, अरे भैया सुगर बढ़ जाएगी। 40 के बाद उम्र है तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं मान लेते हैं, पर तब पर भी नहीं मानेंगे। कुछ लोगों तो खैर अनुवांशिक है, वो एक अलग चीज है। कुछ लोगों को जेनेटिक होती है, जेनेटिक घर में चली आ रही तो वो चली ही आ रही। तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम लोगों से रिश्ता बनाना चाह रहे हो कि कोई तुमसे बोले अच्छा है नहीं बोल रहा है। 95% लोग फालतू की बात करते हैं,